हेलो डियर लर्नर्स, मैं स्वरा पंडित अपने चैनल ट्रेवल विद बायोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 3 का प्लांट प्लांट किंगडम है। इस प्लांट किंगडम में हमने सबसे पहला टॉपिक जो लिया है वो है एल्गी। एल्गी के बारे में हम उसके करेक्टरिस्टिक देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे और कुछ एमसीक्यूज करेंगे इस पे बेस पे। और इन एल्गी पे जाने से पहले हम प्लांट किंगडम के कुछ करेक्टर्स देखेंगे कि क्या क्या इसके प्लांट्स किंगडम के करेक्टर होते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा प्लांट किंगडम जो आता है, इसे किंगडम प्लांटी का मेंबर होते हैं, इसे किंगडम प्लांटी कहते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, ये सभी तरीके के प्लांट्स, हाईलाइट लेते, ये सभी तरीके के प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं। एक सेकेंड, ये सभी तरीके के प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं। ऑल प्लांट्स दे आर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक मेंबर होते हैं। आप लोग जब प्लांट सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक यूकैरियोटिक सेल होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है। तो जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो यूकैरियोटिक मेंबर होते हैं। मल्टी सेलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। द प्लांट्स कंटेन रिजिड सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है रिजिड होती है क्योंकि वो सेलुलोज की बनी होती है। द प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट व्हिच रिक्वायर टू फोटोसिंथेसिस, किस लिए ये यूज होता है क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट? फोटोसिंथेसिस के लिए। करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटी, कुछ करेक्टर हैं प्लांटी किंगडम के। पहला है तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, जाहिर सी बात है इनमें पैरों तो पाए नहीं जाते, ये मोटाइल कहाँ से होंगे। दे मेक दियर ओन फूड्स, हेंस इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक, ना तो इसमें फ्लैजेला ही पाए जाते हैं कि ये मोटाइल हो। इसमें क्या होता है, ये ऑटोट्रॉपिक होती हैं। स्टार्टिंग में पता आप लोगों को चल गया होगा, अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस तो ऑटोट्रॉपिक ही होंगे। दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और सेक्सुअली, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेट करते हैं अथवा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। दे आर मल्टी सेलर यूकेरियोट, प्लांट सेल्स कंटेन आउटर सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल्स। इनका ये मेन करेक्टर है कि ये क्या होते हैं, इनकी जो आउटर आउटर सेल वॉल होती है वो बहुत रिजिड होती है और इनमें एक लार्ज वैक्यूल्स होता है फॉर द स्टोरेज, स्टोरेज के लिए लार्ज वैक्यूल होता है। प्लांट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखते हैं जिसे क्लोरोफिल, आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं इसे, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट इन द प्लास्टिड। दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ एंकरेज रिप्रोड्यूस सपोर्ट्स फोटोसिंथेसिस, इनमें बहुत सारी जो ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि इसमें क्या क्या एंकरेज करती हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, सपोर्ट्स में हेल्प करती हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। आगे नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी। प्लांटी का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक होता आर्टिफिशियल प्लस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक होता नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफ्टन द वेजिटेटिव करेक्टर आर मोर इजली इफेक्टिव। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि ये जो इक्वल इनका जो वो होता है बेटेज होता है, बेटेज जो होता है, और जो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर होता है ये क्या करता है कि ये इनके वेट पे डिपेंड करता है, ये कितने ज्यादा किस दूसरे फाइला से कितने ज्यादा कोरिलेटेड है, इसलिए इनके करेक्टर इस पे डिपेंड करता है। और नेचुरल जो होता है बेस्ड ऑन नेचुरल आर्टिफिकेशन एफिनिटी, सॉरी इन दिस कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, इसमें एक्सटर्नल फीचर मतलब ये एक्सटर्नली देखकर बता देते हैं कि हाँ ये इस फाइला से इतने करेक्टर इसके मैच कर रहे हैं, बट नॉट ओनली एक्सटर्नल बट ऑल्सो इंटरनल फीचर लाइक द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी एंड फिजियोकेमिस्ट्री। मतलब ये इसमें नेचुरल नेचुरल सिस्टम में क्या क्या ऐड किए हैं कि ये इनके केवल एक्सटर्नल फीचर पे ही नहीं इन्हें क्लासीफाई किए हैं, इन्हें इनके इंटरनल
फीचर पे भी इन्होंने इसे क्लासिफिकेशन क्लासिफाई किया. सच क्लासिफिकेशन फॉर द फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर. नेक्स्ट आ जाते हैं. प्लांट आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग. पहला है थैलोफाइट्स या एल्गी. एल्गी को ही थैलोफाइट्स भी कहते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर थैलस लाइक होता है. और ब्रायोफाइट्स, इनको एम्फीबियन कहते हैं क्योंकि इनके ये जो प्लांट्स होते हैं वो सॉरी ये जो प्लांट्स होते हैं अर्थ और क्या वाटर दोनों में सरवाइव कर जाते हैं. जैसे एम्फीबियन मेंबर हमारा होते हैं फ्रॉग होता है, वो प्लांट्स और सॉरी अर्थ और रिवर वाटर दोनों में सरवाइव करता है, वैसे ही जो एम्फीबियन प्लांट्स होते हैं वो भी इन्हीं वाटर और अर्थ दोनों पे सरवाइव कर जाते हैं. इन्हें थोड़े से ही मॉइस्ट की जरूरत होती है. टेडोफाइट प्लांट्स को बोटेनिकल स्नैक प्लांट कहते हैं क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं एक ऐसे स्प्रिंग लगा के ऐसे चढ़, जैसे स्प्रिंग होता है वैसे ये चढ़ते जाते हैं डॉली टाइप में. जिम्नोस्पर्म कॉल्ड एज सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स, इन्हें सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं. एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि एल्गी को क्या कहते हैं, उन्हें थैलोपाइट्स कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहते हैं और टेडोफाइट को बोटेनिकल स्नैक प्लांट कहते हैं और जिम्नोस्पर्म को सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं, एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. ये आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं एल्गी. अब हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे कि एल्गी क्या होते हैं. आप लोग देख रहे होंगे अपने आस पड़ोस में भी देखते होंगे एनवायरनमेंट में कि एल्गी बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाती है. ये इनमें क्या, इसका मेन करेक्टर क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक. ये क्या होते हैं, ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश एंड मैराइन दोनों में पाए जाते हैं. मॉइस्ट स्टोन सॉइल एंड वुड, सम आर एसोसिएटेड विद फंजाई एंड एनिमल्स. ये जो होते हैं ये कहीं पर भी पाए जाते हैं, मतलब वुड्स पे भी आ जाते हैं, स्टोन्स भी सर्वाइव कर जाते हैं, यहाँ तक ये फंजाई पे भी. आपका एग्जाम्पल होगा लाइकेन जो कि फंजाई पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं और एनिमल पे भी जो स्लोथ होता है, बियर होता है, उस पे भी ये क्या करते हैं, उगाते हैं. ये मतलब कहीं पर भी सर्वाइव कर जाते हैं. फॉर्म्स एंड साइज वेरिएबल कॉलोनियल, ये कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं. एग्जाम्पल है उसको वॉलवॉक्स फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स. एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों टाइप का होता है, वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है. वेजिटेटिव इज बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस. ये जो वेजिटेटिव होता है कि इनका क्या कहते हैं, ऐसे थैलस होता है, ये फ्रेगमेंट जो होता है इन्हीं थैलस पे ही डेवलप कर जाते हैं, इन्हीं थैलस के ही मदद से ऐसे फ्रेगमेंट डेवलप कर जाते हैं एक के ऊपर एक. ये दिख ही रहा होगा आप लोगों को. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर. मोस्ट कॉमन इसमें क्या है, जू स्पोर है. जू स्पोर फ्लैजेलेटेड मोटाइल एंड आर जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. इनमें क्या होता है कि जो स्पोर की हेल्प से ये फ्लैजेलेटेड होते हैं और ये मोटाइल होते हैं. जाहिर सी बात है फ्लैजेला पाया जाएगा तो उसमें मोटाइल पाया जाएगा और ये जर्मिनेट करते हैं न्यू प्लांट्स को. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस टू गैमेट्स, इट्स अकर आइसोगैमस एनाइसोगैमस एंड वोगैमस. सबसे पहले देखते हैं आइसोगैमस क्या होता है. आइसोगैमस में क्या होता है, इफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर. मतलब क्या होता है, ये मॉर्फोलॉजिकली
ये मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजी आइसो का मतलब ये हुआ कि सेम, गैमस मतलब होता है गैमेट्स, सिमिलर इन फिजियोलॉजी मतलब इनके जो मॉर्फोलॉजी होती है और फिजियोलॉजी होती है सेम होती है, उसे कहते हैं आइसोगैमस, मेल और फीमेल दोनों की। हेंस हेयर गैमेट्स में भी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड, इसमें जो गैमेट्स होता है वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है और नॉन फ्लैजिलेटेड भी होता है। आइसोगैमस मतलब एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ मैं कि आइसोगैमस में जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, और इनके जो गैमेट्स होते हैं फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। अब आ जाते हैं एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर, डिसिमिलर इन साइज टर्म्ड एज एनाइसोगैमस। जब दो दो गैमेट्स मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिसिमिलर होता है, वो फ्यूज करते हैं तो उसे एनाइसोगैमस कहते हैं। हेयर वन वन गैमेट्स और लार्ज इन टर्म ऑफ माइक्रोगैमेट, मतलब जो लार्ज गैमेट्स होता है उन्हें माइक्रोगैमेट्स कहते हैं, और फीमेल गैमेट्स जो लार्ज गैमेट्स होता है उन्हें माइक्रो, माइक्रो और माइक्रो में कंफ्यूज मत होइएगा, माइक्रो 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 मतलब फीमेल गैमेट्स इसमें है, व्हाइल अनदर गैमेट्स इज स्मॉलर एंड टर्म और माइक्रो माइक्रो और मेल गैमेट, और माइक्रो इसमें किसे बोला गया है, मेल गैमेट्स को, एनाइसोगैमस माइक्रो माइक्रो। ओओगैमस, एक बार फिर से एनाइसोगैमस मैं रिपीट करती हूँ, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज इज कॉल्ड एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में जो लार्ज साइज का गैमेट्स होते हैं उन्हें माइक्रोगैमेट्स कहते हैं, और फीमेल गैमेट्स कहते हैं, जो स्मॉल साइज के होते हैं इन्हें माइक्रोगैमेट्स और मेल गैमेट्स कहते हैं। ओओगैमस, हेयर फीमेल गैमेट्स आर फ्यू आर लार्ज, फीमेल गैमेट्स इज लार्ज नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड एंड फूड स्टोरिंग, व्हाइल मेल गैमेट्स इज स्मॉल मोटाइल एंड नॉन फूड स्टोरिंग। इसमें जो इसमें वो गैमेट्स में क्या करेक्टरिस्टिक है कि जो फीमेल गैमेट्स होती हैं वो लार्ज साइज की होती है और नॉन मोटाइल होती हैं, और वो क्या करती हैं फूड स्टोर करती हैं, और जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल साइज का होता है उसका जस्ट उल्टा, वो फूड स्टोरेज नहीं करता और ये मोटाइल होता है। तो ये हमारा तीनों गो आइसोगैमस एनाइसोगैमस हो गए। आइसोगैमस में फ्यूजन ऑफ सिमिलर मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब उसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी सिमिलर होते हैं, और ये इनके जो फ्लैजिला होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, ये नॉन फ्लैजिलेटेड कुछ कंफर्म नहीं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज कॉल्ड एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में जो मेल होता है वो माइक्रोगैमेट्स होता है, जो फीमेल होते हैं वो माइक्रोगैमेट्स होते हैं, और ओओगैमस में जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है, मोटाइल नॉन मोटाइल होती है और नॉन फ्लैजिलेटेड होती है और फूड स्टोरेज करती है, और जो मेल होता है वो मोटाइल होता है, स्मॉल साइज का होता है, फ्लैजिलेटेड होता है और फूड स्टोर नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन पार्ट है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एल्गी को किसने क्लासिफाई किया, बेस्ड ऑन द फाइलोजेनी, बेस्ड ऑन फाइलोजेनी फाइलोजेनी एफिनिटीज एंड इंटर रिलेशनशिप, फाइलोजेनी एफिनिटीज इंटर रिलेशनशिप एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस बाय डॉक्टर एफ ई फ्रिच। किसने क्लासिफाइड किया, एफ ई फ्रिच ने, इन्हों इसे क्लासिफाइड किया किसके बेस पे, फाइलोजेनी एफिनिटीज एंड इंटर रिलेशनशिप्स के बेस पे। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द विटकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गी आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस, लेकिन हम इनके जो क्लासिफिकेशन को नहीं
उतना इम्पोर्टेंस देते हैं जितना कि हम विटकर क्लासिफिकेशन को देते हैं, और हर एग्जाम में हम विटकर के ही क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं। तो विटकर ने क्या क्लासिफाई किया है कि एल्गी को कितने क्लासेस में डिवाइड किया है? थ्री क्लासेस में। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को कॉमनली कहते हैं ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है, और इनका स्ट्रक्चर कहता है यूनिसेलुलर होता है, कोलोनियल होता है, सिनोवियल होता है, फिलामेंटस होता है, और सिफेनोसियस होता है। सॉरी, सिफेनोसियस होता है। ये मतलब इनका जो पूरा करेक्टर है ये यूनिसेलर, कोलोनिया, सिनोबियल, फिलामेंटस, सिनेसियस, सेल वॉल जो होती है इसकी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, मोटाइल सेल होते हैं, और जो फ्लैजला होता है 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजला होता है, 2 to 8 जो होता है इक्वल एपिकल फ्लैजला होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ कि इसमें जो सेल वॉल होती है, सॉरी सेल वॉल जो होती है वो पेक्टिन की बनी, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। सेल वॉल इनकी जो होती है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, और इनका जो फ्लैजला होता है 2 to 8 एपिकल फ्लैजला होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं? मोस्टली फ्रेश वाटर। अकरेंस कहाँ पे? फ्रेश वाटर एंड फ्यू मेराइन वाटर। कुछ मेराइन वाटर में भी सर्वाइव करते हैं। मार्क टेंडेंसी टूवर्ड्स द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये जो ज्यादातर इनके जो टेंडेंसी होती है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होती है। मेजर पिगमेंट इसमें क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ये पूछा जाता है कि फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी में जो मेजर पिगमेंट पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफाइसी में जो मेजर पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन प्लस जेंथोफिल पाया जाता है। और रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ होता है? फूड स्टार्च और शुगर के रूप में ये फूड का स्टोर करते हैं। स्टोरेज पाइनोइड लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। कुछ एल्गी जो होती हैं ये फूड को स्टोर करती हैं ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंट और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर एंड आर फिजन। इसका जो ये स्ट्रक्चर है ये मेराइन वाटर में रहते हैं। ये मेजर पिगमेंट ए, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल पाया जाता है। रिजर्व फूड जो होता है वो स्टार्च और शुगर होता है। और स्टोरेज जो होता है पाइरिनोइड लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। जो पाइरिनोइड होती है वो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, और ये फूड को स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में। और इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स और फिजन के रूप में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर। जूस्पोर प्रोवाइडेड जूस्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, सेक्स सेल फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स सेल, एंड इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। इसमें डिफरेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ द सेक्स सेल फॉर्म करता है। उसमें से कुछ आइसोगैमस होते हैं, एनाइसोगैमस होते हैं, ओगैमस। आर वी कैन से आइसोगैमस टू एडवांस ओगैमस। आइसोगैमस से एडवांस ओगैमस में भी पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। अब ये बताइए ये जो फिगर है ये किसका है? यूलोथ्रिक्स का। और ये जो फिगर है ये किसका है? वोल्वॉक्स का, क्योंकि ये कॉलोनियल फॉर्म होता है। ये थैलस लाइक वन बाय वन ये बॉम्बो टाइप में होता है। बॉम्बो टाइप में दिख भी रहा आप लोगों को। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है क्लोरोफाइसी मेंबर के? ग्रीन एल्गी आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड दैट
दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड स्टाइल ऑल द एक्वाटिक कंज्यूमर्स. ग्रीन एल्गी कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड यूजेज एज मेन्योर. ये मेन्योर के रूप में भी यूज होता है हार्वेस्ट करके. जैसे कैल्शियम कंटेनिंग ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल कारा इज यूजफुल इन एसिडिक सॉइल वेयर अदर यूज ऑफ द एल्कलाइन सॉइल. मतलब ये क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज होता है, मेन्योरिंग के रूप में भी यूज होता है. ये क्या करते हैं, इन्हें मेन्योर बनाते हैं. मेन्योर में ये जो कारा होता है ये कैल्शियम की पूर्ति करता है और जो सॉइल की एसिडिटी होती है उसे कम कर देता है एसिडिक. इसके बाद आता है क्लोरेला. कॉल्पेरा एंड कॉल्पेरा आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग एंटीबायोटिक्स. जो क्लोरेला होता है और कॉपेरा होता है, ये जो होता है ये दोनों एंटीबायोटिक्स के रूप में होता है. सेफिलोरॉन कॉज द रेड रस्ट डिजीज इन टी एंड कॉफी. ये जो सेफिलोरॉन होता है ये टी और कॉफी में रेड रस्ट डिजीज कॉज करता है और रिड्यूस करता है उनकी यील्ड्स को. क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ सीवेज पॉन्ड्स. ये सीवेज पॉन्ड के ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं कारा और सॉरी क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास. क्लोरेला कैन बी यूज प्रोलॉन्ग स्पेस फ्लाइट टू डिस्पोज ऑफ एक्सहेल्ड CO2 एंड एक्सक्रीशन जनरेशन ऑफ O2 एंड फूड. ये क्या कहते हैं, जो क्लोरेला होता है स्पेस में हेल्प करता है CO2 के डिक्रीज में और O2 के इंक्रीज में. मतलब ये क्या करता है, O2 को इनहेल करता है और CO2 को इनहेल करता है, O2 को जनरेट करता है इन स्पेस. दे इंक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसाइजिंग. ये जो जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल होता है उसे इमीडिएट इंक्रीज करता है. और किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से. द लार्ज नंबर ऑफ मेराइन एल्गी आर यूज इन फूड ओरिएंटेशन. बहुत सारी एल्गी जो होती है वो फूड ओरिएंटेशन के रूप में भी यूज होती है. इसमें जो क्लोरेला होता है वो एंटीबायोटिक्स के रूप में भी यूज होता है. जो क्लोरेला होता है वो सीवेज पॉन्ड्स के लिए रूप में होता है. जो क्लोरेला होता है वो स्पेस में भी यूज होता है, ये आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आते हैं फियोफाइसी. फियोफाइसी इज कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी. ये ब्राउन एल्गी का स्ट्रक्चर कैसे, ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होता है. स्ट्रक्चर सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज और एल्जिन एंड फ्यूजिन एसिड की बनी होती है. सेल वॉल इनकी सेलुलोज एल्जिन और फ्यूजिन एसिड पाया जाता है. मोटाइल सेल विथ टू अनइक्वल लैटरल फ्लैजेला. इसमें टू अनइक्वल लैटरल फ्लैजेला पाया जाता है. इतना उसमें 28 एपिकल फ्लैजेला, इसमें 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजेला पाया जा रहा है. फियोफाइसिन मोस्टली मेराइन, उसमें कुछ मेराइन थे, कुछ ही मेराइन थे, उसमें ज्यादातर फ्रेश वाटर थे. मेजर जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड सी, उसमें क्लोरोफिल ए और बी था. फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता, उसमें फाइकोइरिथ्रिन, इसमें कैरोटीनॉइड कैरोटीन पाया गया था. फाइकोइरिथ्रिन फाइकोसाइनिन एलोफाइसाइनिन एंड कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीनॉइड फाइकोइरिथ्रिन फाइकोसाइनिन एलोफाइकोसाइनिन कैरोटीनॉइड्स. इसमें मेन मेजर पिगमेंट का पाया जाता है. वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेडेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम. ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, डिपेंड ये करता है उनमें उसमें जेंथिन पिगमेंट या फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट कितना प्रेजेंट है. ये रिजर्व करते हैं फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर करते हैं, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड मोनिटोर. लैमिनेरिन एंड मोनिटोर के रूप में होते हैं, जो कि लैमिनोरिन और मोनिटोर के रूप में होता है.
रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और एडवेंशियल ब्रांच होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर होता है, प्लैनिस्पोर्स के थ्रू होता है। जूस्पोर से आपको मालूम है जूस्पोरेंजी और प्लैनिस्पोर प्लैनिस्पोरेंजी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगैमस टू ओओगैमस, इसमें एनाइसोगैमस नहीं पाई जाती, आइसोगैमस टू ओओगैमस पाई जाती है। फियोफाइसी डिवाइडेड इनटू नाइन ऑर्डर बाय फ्रेंच। फ्रेंच ने फियोफाइसी मेंबर को नाइन ऑर्डर में डिवाइड किया। द मेन ऑर्डर्स आर इक्टोकार्पस, इसे कहते हैं इक्टोकार्पस, सॉरी इक्टोकार्पेल्स, इक्टोकार्पस, लैमिनेरियल्स, लैमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस, न्यूरोसिस्टिस, न्यूरोसिस्टिस, जी आंट कैल्प भी इसे कहते हैं, फ्यूकेल्स, फ्यूकस सार्गोसम, डिक्टियोटेल्स, डिक्टियो, डिक्टियोटा, ओके। कुछ ही दिए गए थे, नाइन के नाइन पूरे नहीं डिटेल में दिए गए हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ ब्राउन एल्गी, एल्गी आर इम्पोर्टेंट फॉर दियर कार्बन फिक्सेशन एबिलिटी। दे आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एक्वाटिक फूड चेन चेन एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। केल्प फॉरेस्ट सपोर्ट रेंज नंबर नंबर ऑफ द एनिमल्स, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, दे वाइडली यूज एडिबल सीवीड्स, ये ज्यादातर एडिबल सीवीड्स के रूप में होते हैं। लेमिनेरियंस और सार्गोसम ये एडिबल एल्गीज होती हैं। एल्जिन एसिड इज कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड एंड एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री एज ए थिकनिंग थिकनिंग एजेंट। इट यूज एज ए स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम एंड बेकिंग इंडस्ट्री। ये एल्जिन जो होता है, जो इनमें सिक्रेट होता है एल्जिन एसिड, ये किस रूप में होता है, ये फूड इंडस्ट्री में थिकनिंग एजेंट के रूप में होता है और ये स्टेबलाइजर के रूप में आइसक्रीम इंडस्ट्री और बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है। एल्जिन एसिड इज टू यूज एज अ बैटरीज, बैटरीज में भी यूज होता है। एल्जिन एसिड यूज एज मेकिंग पिल्स एंड सर्जियन थ्रेड्स। सेवरल स्पीसीज आर यूज एज अ फर्टिलाइजर। केल्प इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सोडा। जो केल्प होता है वो किस रूप में यूज किया जाता है, सोडा के प्रोडक्शन में एंड प्रोडक्शन ऑफ द सोप एंड ग्लासेस। ब्राउन एल्गी लाइक लैमिनेरिया इज अ रिच इन आयोडीन एंड हैज बीन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी गोइटर। गोइटर रोग आप लोग उसमें पढ़ेंगे इंडोक्राइनोलॉजी में, जब डिजीजेस पढ़ने लगेंगे तो हम गोइटर रोग के बारे में पढ़ेंगे जो कि आयोडीन की कमी से होता है। दे हैव बीन यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पस। सोडियम लैमिनेरियन सल्फेट इज एन एंटी कोआगुलेंट। दे यूज एज एंटीबायोटिक्स वर्मीफॉर्म प्रॉपर्टी। देखो लैमिनेरिया जो होता है उसमें बहुत ज्यादा आयोडीन पाया जाता है, इसलिए वो गोइटर रोग डिजीज के की डिफिशियंसी में यूज होता है। और ये जो होता है लैमिनेरिया, सोडियम लैमिनेरिया सल्फेट जो होता है एंटीकोआगुलेंट होते हैं। लैमिनेरिया में सोडियम सल्फेट मिक्स करके एंटीकोआगुलेंट बनाया जाता है। दे हैव वर्मी फ्यूज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ये सार्गोसम है, ये लैमिनेरिया है, ये फ्यूकस है, रोडोफाइसी, रेड एल्गी, जैसा कि नाम से ही पता चल रोडो रेड, रेड एल्गी। ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, स्यूडो पैरेन्काइमेटस होते हैं, उसमें स्यूडो पैरेन्काइमेटस नहीं था, ये पैरेन्काइमेटस है, ये स्यूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होते हैं। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोजिक एंड पेक्टिन मोटाइल मोटाइल सेल नॉट नोन, इसमें कोई मोटाइल सेल कंफर्म नहीं है। पाइरेनॉइड सिंपल आर कंपाउंड एम्बेडेड सम टाइम स्टॉल्क फ्लैजेला एब्सेंट अक्रेंस मोस्टली मैराइन वाटर। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए डी, उसमें फर्स्ट में ए बी, क्लोरोफाइसी में ए बी, फियोफाइसी में ए सी एंड रोडोफाइसी में ए डी, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, एलो एलो फाइकोसाइनिन, कैरोटीनॉइड।
ये इतने इसके पिगमेंट है। क्लोरोफिल बी इज एब्सेंट, इसमें क्लोरोफिल बी एब्सेंट होगा क्योंकि हाईलाइट किया, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था कि एल्गी का वो कौन सा कौन सी क्लास है जिसमें कि क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता, तो वो रोडोफाइसी। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है मोनोग्लाइकोसीरेट होता है, मोनोग्लाइकोसीरेट होता है और फ्लोरिडिसाइड होता है, फ्लोरिडीन होता है, स्टार्च होता है, फ्लोरिडीन स्टार्च और के रूप में ये फूड रिजर्व होता है कि कौन कौन से मोनोग्लाइसिरेट, मोनोग्लाइसिरेट, फ्लोरिडिसाइड्स, फ्लोरिडिसाइड, फ्लोरिडीन स्टार्च। और इनवर्ट रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव जो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मोनोस्पोरस, कार्पोस्पोरस एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन मोटाइल मोटाइल गैमेट्स होता है, एडवांस गोगैमस टाइप का होता है, एग्जाम्पल ग्रेसलेरिया, जिलेडियम, पोरफाइरा एंड पॉलिसिफोनिया, ये इसके सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। आगे देखते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के बारे में देखते हैं। रेड एल्गी आर क्रूशियल फॉर इन्वायरमेंट, रेड एल्गी जो होता है बहुत क्रूशियल होता है इन्वायरमेंट के लिए। दे आर इसेंशियल लिंक इन द फूड चेन एंड कंट्रीब्यूटिंग बिटवीन 40-60% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन सप्लाई। ये जो होता है 40-60% वर्ल्ड ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्प करता है, व्हिच यूज्ड इन द फूड बोथ टेरेस्ट्रियल एंड द अदर एक्वाटिक सेटिंग। सेवरल एल्गी इकोलॉजिकल एंड कमर्शियल वैल्यू आर लिस्टेड। फिश एंड अदर एक्वाटिक क्रिएचर मे ईट एल्गी नेचुरली। ये जो रेड एल्गी होता है उसे फिश और एक्वाटिक एनिमल अपनी फीड के रूप में यूज करते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट कमर्शियल फूड इज फूड इन जापान एंड नॉर्थ अटलांटिक एरिया इज रेड एल्गी। जापान और नॉर्थ अटलांटिक एरिया में जो होता है वो रेड एल्गी का बहुत सिग्निफिकेंट यूज होता है। रेड एल्गी इज यूज्ड टू मेक अगार। रेड एल्गी का यूज किसमें होता है? अगार के फॉर्मेशन में। अगार बाय नोन एज अगार अगार अ जेली लाइक मटेरियल्स दैट यूज टू पडिंग, डेरी टॉपिंग एंड अदर फास्ट फूड प्रोडक्ट। ड्यू टू दियर हाई विटामिन मिनरल्स कंटेंट एज वेल एज दियर अबेंडेंट कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एंटी ऑक्सीडेंट, रेड एल्गी हैव बीन यूटिलाइज्ड अ फूड सोर्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स। दे आर सोर्स ऑफ डेरी फाइबर्स बिकॉज दे कैन कट बैड कोलेस्ट्रॉल, इम्प्रूव सर्कुलेशन, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। दे सपोर्ट द हेल्थ ऑफ बोन स्किन एज वेल एज इम्यून सिस्टम एंड स्किन। ये रेड एल्गी का बहुत ज्यादा ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ये फिश के फीडिंग के लिए भी यूज होता है। ये जापान में जो होता है वो कॉमर्शियल इसके फूड के रूप में यूज होता है। बहुत ही ज्यादा इसका महत्व है जापान में और अटलांटिक एरिया में। और ये जो रेड एल्गी जिसे अगार अगार कहते हैं, जो कि फूड को प्रोडक्ट को स्टोरेज करने में हेल्प करती है, डेयरी प्रोडक्ट स्पेशली। ड्यू टू दियर हाई विटामिन्स, ये जो होता है ये कैल्शियम मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाया जाता है, जो कि फूड को हजारों सालों तक प्रिजर्व करके रख सकता है। दे कैन बी डिलीवर फाइबर्स, ये फाइबर्स और बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। गुड फूड्स इम्प्रूव द सर्कुलेशन एंड कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, और ये बोन और स्किन में क्या और इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलोनियल एल्गी, इसमें से कौन सा कॉलोनियल एल्गी है? हमने यूलोथ्रिक्स के बारे में पढ़ा, वो बॉम्बे टाइप में था। स्पायरोगायरा, नो ये ब्रांचे टाइप में था। वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स जो होता है वो क्लोरोफाइसिक मेंबर का होता है, और ये कॉलोनी फॉर्म में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कॉलोनियल फॉर्म में कौन सी एल्गी पाई जाती है, वो वॉलवॉक्स होती है। और ये वॉलवॉक्स
बॉलवॉक जो होता है वो क्लोरोफाइसी मेंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग जाइगोटिक मियोसिस किसमें पाया जाता है? जाइगोटिक मियोसिस जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। इसमें मियोसिस रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जाइगोटिक मियोसिस क्लेमाइडोमोनास। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें इनकरेक्ट बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है अगार अगार इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेसिलेरिया, दूसरा है क्लोरेला इज यूज्ड इन स्पेस फूड, मैनिटोल इज यूज ए फूड रिजर्व इन क्लोरोफाइसी, एल्जिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी। इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये जो अगार अगार है प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेसिलेरिया, ये सही है हमारा। दूसरा क्लोरेला इज यूज ए स्पेस फूड, ये भी हमारा सही है। मोनिटोल जो होता है ये एक ड्यूरेटिक इज अ ड्यूरेट है, ये जो मदद करता है ये मोस्टली यूरिन और सॉल्ट के एक्सेस जो बॉडी में हमारे वो हो जाता है जमा हो जाता है वो रिमूवल में मदद करता है, ना कि ये फूड स्टोरेज में मदद करता है। और ये रोडोफाइसी का ही मेंबर है। एल्जिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी, ये भी सही है हमारा। तो हमारा जो रॉन्ग आंसर है वो है सी। तो इसमें जो इसमें इनकरेक्ट पूछा था तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन फ्लैजलेटेड आइसोगैमस गैमेट, नॉन फ्लैजलेटेड आइसोगैमस गैमेट्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स फिकस। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कुछ जो क्लोरोफाइसी मेंबर होते हैं उनमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस भी होता है, और आइसोगैमस का जो मेन करेक्टरिस्टिक था वो क्या होता है, वो नॉन फ्लैजलेटेड भी होते हैं और फ्लैजलेटेड भी होते हैं, कुछ कंफर्म नहीं होता। बट नॉन फ्लैजलेटेड पूछा है तो नॉन फ्लैजलेटेड स्पाइरोगायरा है। फ्लैजलेटेड पूछता तो वो क्लोमैडोमोनास। मोनिटोल इज अ रिजर्व फूड, नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर फिफ्थ। मोनिटोल इज अ रिजर्व फूड फाउंड इन, मोनिटोल एक रिजर्व फूड है जो कि किसमें पाया जाता है? मोनिटोल एक रिजर्व फूड होता है जो कि फिकस में पाया जाता है। प्रीवियस में हमने देखा था रोडोफाइसी में पाया जाता है, नहीं रोडोफाइसी में नहीं पाया जाता, वो फिकस में पाया जाता है। और फिकस किसका मेंबर है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, क्लोरोफाइसी का या रोडोफाइसी का या फियोफाइसी का, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। Which of the following contain chlorophyll A, B, phycoerythrin and phycocyanin? जैसा कि स्टार्टिंग से ही पता हो गया हो, क्लोरोफिल ए बी तो किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल ए बी फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। सर ये ए बी नहीं होता, ए डी था, ए डी एडी तब रोडोफाइटा में पाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन रिच कौन सा होता है? क्लोरेला। अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्लोरेला की इतनी ढेर सारी प्रॉपर्टियां हैं, तो वो प्रोटीन भी रिच करता है। यूलोथ्रिक्स प्रोड्यूस्ड, यूलोथ्रिक्स का जो रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस होता है, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और विच इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी का जो रिप्रोडक्शन है वो किस मोड में होता है? हमने वो गैमस भी पढ़ा था, एनाइसोगैमस भी पढ़ा था, आइसोगैमस भी पढ़ा था, इसलिए डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हाट इज द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास, जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या होता है, कप शेप्ड होता है क्लेमाइडोमोनास। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें डाले हैं जो कि जो मेंबर है इसके उससे रिलेटेड है,
और ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एनसीईआरटी हम पढ़ा ले रहे हैं बट हम कुछ डिटेल में भी आप लोगों को बताते चल रहे हैं कि हाँ ये इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लेमाइडोमोनास जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्लेमाइडोमोनास को वो कब शिफ्ट होता है। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ द इंडियन फाइकोलॉजी, ये BHU 1999 में पूछा गया था। डिटेल ही नीचे मैंने लिख दी है। MOP अय्यर, MOP अय्यर प्रोफेसर, ये क्या है, मद्रास के प्रोफेसर हैं। इंडियन फाइकोलॉजी, इन्हें फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहा था। ही डिस्कवर्ड फ्रेचिसिला एंड हेट्रोटाइकस टेरेस्ट्रियल एल्गा, ये टेरेस्ट्रियल एल्गा को डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12। द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज बेस्ड ऑन, एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है किस पर बेस्ड है। टाइप ऑफ पिगमेंट, करेक्ट। नेचर ऑफ सेल वॉल मटेरियल, करेक्ट। नेचर ऑफ प्रिजर्व फूड मटेरियल, करेक्ट। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। ये तीनों टाइप का हम लोगों ने बेस मानकर इसको क्लासिफाइड किया है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ। द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज बेस्ड ऑन, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये डी होगा। नेक्स्ट आते हैं अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगार अगार कहाँ से प्राप्त होता है। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था किससे प्राप्त होता है, ग्लैसिलेरिया। अगार अगार इज अ जेली, यहाँ पे डिटेल लिखा गया है। अगार अगार इज जेली टाइप सब्सटेंस सब्सटेंस एंड इट इज अ नॉन नाइट्रोजिनस क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों से प्राप्त होता है, ग्लैसिलेरिया, जिलेडियम एंड गिगंटिया, ये तीनों से प्राप्त होता है। ओके आयोडीन, नेक्स्ट आ जाते क्वेश्चन नंबर 15 से। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द मेंबर ऑफ द, आयोडीन कौन से किस क्लास के मेंबर से प्राप्त होता है, वो था ब्राउन एल्गी, केल्प लाइक फीकस लैमिनेरिया मेंबर, फियोफाइसी मेंबर था जो कि जिंक कोबाल्ट बोरान ये सब 20 हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बहुत ही ज्यादा इसमें पाया जाता है फियोफाइसी मेंबर। एग्जाम्पल ऑफ द सीनो सीनोसिटी केल्गी, एग्जाम्पल ऑफ द सीनोसिटी केल्गी, सीनोसिटिक एल्गी का एग्जाम्पल पूछा गया है। सीनोसिटिक का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर बताएगा सीनोसिटिक का मतलब क्या होता है। और मैं देखना चाहती हूँ कितने लोगों को इसके मतलब पता है सीनोसिटिक का, और ये पाया जाता है बाउचेरियम में। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इन द लाइफ साइकिल ऑफ व्हिच प्लांट व्हिच ग्रुप फ्लैजेलेटेड सेल आर नॉट फॉर्म, इसमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें फ्लैजेलेटेड सेल नहीं पाया जाता। हमने पढ़ा था रोडोफाइसी मेंबर ऐसा है जिसमें फ्लैजेलेटेड सेल नहीं पाए जाते, जिसमें फ्लैजेलेटेड सेल नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सीनोबियम, मीन्स सीनोबियम का मतलब क्या होता है, अ होल स्फेरिकल कॉलोनियल बॉडी। अब आप लोग मुझे बताओगे सीनोबियल जो होता है वो किस क्लास के मेंबर का करेक्टरिस्टिक है। ओके ये वॉल्वॉक्स यूडोर्निया एंड पोंडेरिना में पाया जाता है। Which one of the following is not a accessory pigment? इसमें से कौन सा accessory pigment नहीं है? वो है हमारा क्लोरोफिल ए, क्योंकि ये कोई accessory pigment नहीं है, क्योंकि ये सारे इल्गा सारे क्लासेस में पाया जाता है। अगर ये पूछा जाए तो ये सारे क्लासेस में पाया जाता है, क्लोरोफाइसी फियोफाइसी रोडोफाइसी तीनों में पाया जाता है। व्हिच वन वन इज अ पैरासिटिक एल्गी, ये बहुत बार पूछा गया पैरासिटिक एल्गी के बारे में, वो है सिफाइल्यूरॉन।
हम लोगों ने कमेंट्स में पढ़ा, उसमें जब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे तो सिफेलोरॉम मैंने हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो होता है वो क्लोरोफाइसी मेंबर होता है और ये डिजीज करता है रस्ट, कॉफी और टी में।